हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में एक प्यारी सी लूना आ चुकी है, जो कि ये हमारे घर की मेंबर बन चुकी है। और ख़ास बात ये है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसका डेली ब्लॉग लेकर आऊँगी, और मेरा तो रहेगा ही, साथ में आज से ये भी रहेगी। तो पहले लूना आप लोगों को हाय बोलेगी। हाय गाइस, तो आप मेरी लूना को ढेर सारा आशीर्वाद दें ताकि ये हेल्दी और बहुत प्यारी हो और क्यूट हो। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, ये आज मेरे घर में आई हुई 15 डेज़ हो गए हैं, और 15 डेज़ के दरमियान मैंने क्या क्या शॉपिंग की हूँ, तो ये आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आप अगर डॉग लेने वाले हैं तो इन सब चीज़ों का ज़रूरत आपको भी पड़ सकता है, तो क्यों ना मैं इन चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हो सकता है अपने दोस्तों से शेयर भी करें। यदि इन फ्यूचर आप अपने घर में डॉग लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये सारी चीज़ें एसेंशियल है, और मुझे लगता है डॉग लेने से पहले ये ब्लॉग आप ज़रूर देखें, ताकि आपको एक नॉलेज हो कि कौन सा प्रोडक्ट पहले ज़रूरी है, कौन सा प्रोडक्ट बाद में ज़रूरी है। मैं एक बात ये भी मेंशन करना चाहती हूँ, ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन और हमारे भागलपुर के लोकल मार्केट का ये सारा प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ों का लिंक और मैं डिस्क्रिप्शन में डालने का कोशिश करूँगी, प्राइस को मेंशन करने का कोशिश करूँगी। तो ब्लॉग में बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये वाइप्स, ये मैं ली हूँ अमेजोन से। इसकी प्राइस जो भी होगी मैं मेंशन कर दूँगी। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, जब डॉग आप लेते हो तो वो छोटा बच्चा होता है और उसे आप नहला नहीं सकते हो, और वो जो फूड खाती है वो भी यहाँ पे लगा लेती लग जाता है, और उसकी पॉटी भी थोड़ी गीली होती है तो उसे भी पोछना होता है। तो आपको वाइप्स की तो बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये वेरी काइंड ऑफ कि आप इसे बहुत क्वांटिटी में लें, और आप अपने डॉग से कितना प्यार करते हैं ये आपको इन सामान से पता चल जाएगा। तो वाइप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी मैं खुशबू की बात करूँ तो बहुत अच्छी है, और इस टाइप का ये पैकेट बना हुआ है, और यहाँ से आप निकाल कर अपने डॉग को वाइप्स कर सकते हैं। खाना खाने के बाद, पॉटी करने के बाद ये वाइप्स करना बेहद ज़रूरी है। आप डॉग लेते हैं तो आप पहले थॉट्स क्या आता है, आप डॉग को क्या खिलाएंगे? तो गाइस, ये है पेडिग्री, और ये मैं बता दूं ये पप्पी के लिए स्टार्टर है। कोई भी डॉग हो, कोई भी ब्रीड हो, लेकिन आपको स्टार्टर ही देना पड़ेगा। और इसे खिलाने से पहले आप 2 घंटे पहले भिंगो के रखेंगे, फिर चम्मच से इसे अच्छे से लेप्सी टाइप बनाएंगे, फिर अपने डॉग को देंगे। और ये जो डॉग की डाइट होती है ना, वो 4 टाइम होती है, और छोटे छोटे स्पून से 2 चम्मच ही देना होता है। मैं डॉग लाई थी तो सबसे पहले आधे घंटे बाद जब हमारे घर में डॉग आया था तो वो कम्फर्टेबल हो गया था, फिर मैं थोड़ा सा दही को थोड़े से ग्राइंड करके मैं दी थी ताकि उसका पेट साफ रहे, और जो भी वहाँ खाया हो वो पॉटी के माध्यम से निकल जाए। उसके बाद हमारे घर में जो मैं खिलाऊंगी, अब से वो हमारा डॉग है, मैं उसे क्या खिला रही हूँ, उसकी हेल्थ हमारे वजह से ग्रो करेगी, तो उसे खास ख्याल मुझे रखना होगा। तो आप जब डॉग लाते हैं तो आप पहला जो डाइट होता है वो दही होता है, दही के बाद आप पेडिग्री पे आते हैं, तो पेडिग्री जो होती है स्टार्टर आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि एडल्ट के लिए अलग होता है और जो थोड़ी और बड़ी डॉग होती है उसके लिए अलग होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेडिग्री 3 kg का है, और हाई एनर्जी मील है, डाइजेस्टिव हेल्थ है, नेचुरल डिफाइंड फॉर पपीज़, मतलब ये जो है खाने के बाद डॉग डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से करेगा। और ये पेडिग्री 3 kg का है, मैं बाद में मेंशन करूँगी ये कितना दिन चला। और ये आप जब पप्पी लेते हैं तो एट फर्स्ट आपको ये लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं खाने का बात कर ली, तो खाना आपको किस में खिलाना है? अच्छा, डॉग लाते हैं तो उस टाइम पे तो आप ऐसा नहीं है कि तुरंत ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेंगे या फिर अचानक से कुछ ले लेंगे, बाद में आपको ये फील होगा कि अरे मैं
तो आप घर में कोई भी आपके पास ऐसा कोई बॉल हो जो कि आप अब यूज़ ना करते हो, उस बॉल में आप पेडिग्री को फुला के आप अपने डॉग को दे सकते हैं। और जब मेरे घर में लूना आई थी, मैं अब डॉग नहीं बोलूँगी, सॉरी, अब मैं लूना ही बोलूँगी। तो जब मेरे घर लूना आई थी तो सबसे पहले मैं 8:30 से लगता है 10 बजे के दरमियान मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, और सारे ऑनलाइन। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का मैं बाउल खरीदी थी, जिसमें एक में मैं खाना देती हूँ, एक में पानी देती हूँ, और मैं इसे यूज़ भी कर रही हूँ। यूज़ होने के बाद ही मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि आज ये साफ़ हुआ था, क्योंकि डेली साफ़ होता है। तो आज मुझे एक वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए, तो मैं इसे साफ़ करके आपको दिखा रही हूँ। ये बाउल जो है अमेजोन से लिया हुआ है, और इसकी प्राइस बहुत हाई नहीं है, ये मुझे लगता है समथिंग मैं मेंशन कर दूँगी। तो इसे भी लीजिएगा, क्योंकि ये पेडिग्री और दही या कोई भी आप डाइट दे रहे हो, एक बाउल की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा आपको पानी के देने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो दो बाउल तो खरीद सकते हैं। मैं जब लूना को लाई थी तो मेरे माइंड में आया था एज ए ह्यूमन कि मुझे अपने पप्पी के लिए सेरेलैक लाना चाहिए। तो मैं 6 मंथ का नेक्सले का सेरेलैक लाई थी, वीट एप्पल का। और ये सेरेलैक सबको पता है 240 में मिलता है, और आसानी से किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। और मैं भी एज ए लूना मदर, मुझे लगा क्या कि ये लेना चाहिए, और मैं लेकर आई, और लूना बहुत ये टेस्टी लगता है। और मैं इसमें क्या करती हूँ, खाने से पहले जो पेडिग्री फुला हुआ होता है उसे चम्मच से मैस के उसमें 2 चम्मच ये मिलाकर फिर मैं इसे खिलाती हूँ, क्योंकि सेरेलैक बहुत आसानी से मेरी लूना पचा लेती है। लेकिन मुझे अचानक से मेरी एक फ्रेंड आई, वो बोली कि डॉग का सेरेलैक अलग आता है, तो आप अब से जो मंगाएंगे तो ये मत खिलाइएगा, अभी खिला दीजिए, लेकिन आपको दूसरा सेरेलैक लेना होगा। तो फिर मैं वहाँ से तुरंत इनको मैं इन्फॉर्म की, चूँकि मेरे हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड मेरा बेटा दोनों फिर से शॉपिंग के लिए गए और फिर से सेरेलैक लाए। तो वो सेरेलैक मैं दिखाती हूँ, ये विनोलैक का सेरेलैक है, जो कि मार्केट में आसानी से पपी हाउस में मिलता है, और ये हेल्दी है, डॉग के लिए बहुत अच्छा सेरेलैक है। मैं लेकिन प्राइस की बात करूँ तो वो सेरेलैक थोड़ा प्राइस लो था, और इसकी जो प्राइस है 450 की है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने वाला है। लेकिन 3 से 4 महीने मुझे सेरेलैक अपने पपी को देना है, तो मैं इसे आप लोगों से दिखाना चाहती हूँ कि आप विनोलैक का सेरेलैक ले सकते हैं अपने पपी। मेरे घर में जब लूना आई थी तो उसको एक्स्ट्रा कुछ देने के लिए मैं बिस्किट मंगाई, और ये जो है ऑगी डॉगी का है, और इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो 255 का है, क्वान्टिटी 500 ग्राम का है। लेकिन ये बिस्किट अभी खा नहीं पा रही है वो, चूँकि ये हार्ड होता है, तो मुझे जब भी देना होता है तो इसे ग्राइंड करके फिर मैं इसे देती हूँ। तो ये अभी बहुत कम खा रही है, लेकिन आप अपने डॉग से बहुत प्यार करते हो, जो उससे कुछ खिलाना चाहते हैं, तो आप बिस्किट तो प्लीज़ लें और अपने डॉगी को खिलाएं। ये मैं बॉल दिखा रही हूँ, ये लूना के साथ आया था, और साथ में मैं इसे खरीदी थी, लूना के फर्स्ट टॉय है, और इससे लूना बहुत खेलती है, क्योंकि उसके दांतों में ये फंस जाता है और आसानी से वो लेकर ऐसे ऐसे घूमते फिरती है। और ये जो बॉल है मुझे डॉग हाउस से मिला है 80 रुपीज़ में, लोकल मार्केट से। इसके बाद ये टॉय है जो कि मैं मेसो से मंगाई हूँ, ये कैरोट है, ये रस्सी का बोन बना हुआ है, ये बॉल है, मतलब ये दो बॉल है। और ये जो है मेरी लूना, चूँकि बहुत छोटी है तो इससे तो नहीं खेलती है, इसको भी नहीं टच करती है, बस इसको टच करती है, चूँकि ये जो ऐसे ओपन खुला हुआ है तो ऐसे टांग के वो घूमते रहती है। तो इसकी जो प्राइस है समथिंग 250-300 का है, मैं मेंशन कर दूँगी। इसकी लिंक या फिर इसका कोड चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझसे मैं मेंशन कर दूँगी, और कमेंट में आप मुझसे मांग भी सकते हैं, और नहीं तो आप डॉग टॉय सर्च करेंगे तो पहले आपको ये दिख जाएगा। तो ये था हमारे लूना की, लूना के लिए कंफर्टेबल वेट क्या हो सकता था, तो मैं अमेजोन पे सर्च करी, और अमेजन चॉइस में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन में मुझे देखा, ये इस तरह का वेट दिखा था। तो ये मुझे पड़ा है अंडर 500, और ये ऐसे है, इसे निकल सकता है, फिर इसे आप ऐसे डाल सकते हैं, और इसमें लूना सोती है, ये यूज़ में है।
भी इसे ले सकते हो अगर आपके घर में डॉग है तो, या फिर आप प्लान कर रहे हैं आप अपने घर में पप्पी लाने के लिए। तो मेरी लूना का ये फर्स्ट बेड है जो इस तरह से दिखता है। ये है लूना का केज। चूँकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही थी, लेकिन अचानक से लूना मेरे घर में वॉशिंग मशीन के नीचे जाके सो रही है, कभी मतलब कोने में जा के सो रही है। और मेरे ख्याल में ये आया कि यदि अगर मैं पूजा करती हूँ घर में और मुझे एक घंटे के लिए कहीं उसको सेफ जगह पे रखना है तो मैं कहाँ रखूँगी। तो मेरे ख्याल से लूना के लिए ये केज सेफ़ है। मैं एक घंटे के लिए कहीं यदि अगर जाना चाहूँगी तो लूना को इसमें रख लूँगी, ताकि मैं टेंशन से फ्री रहूँगी कि मेरी लूना कहाँ जाके फंसी होगी, कहीं करंट ना लग जाए, ज़्यादा पानी ना खींच ले। तो मेरे ख्याल से केज हर मतलब जो लोग पप्पी रखे हुए उन सभी को केज लेना चाहिए। घंटा दो घंटा के लिए आप बाहर निकलते हैं तो आप सेफ इसमें रख सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सिस्टम है, आप आराम से इसे खोल सकते हैं, खाती हूँ, आराम से इसे खोल सकते हैं, इसमें पप्पी चली जाएगी। और ये केज का ये ट्रे है जिसमें सुसु पॉटी जो भी किया हुआ उसको आराम से आप ले जाकर बाहर धो सकते हैं। तो ये था केज हमारे लूना का। यूज़ थोड़ा कम अभी हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे बहुत यूज़ आने वाला है। इसकी मैं प्राइस की बात करूं तो ये शायद मुझे 1700 में मिला है और मैं इसे अमेजोन से शॉपिंग की हूँ। ये बेड प्रोटेक्टर है। मेरी लूना मेरे बेड पे चढ़ती है, मेरे सोफे पे चढ़ती है, और सुसु मतलब पता नहीं चलता अभी उसके सुसु पॉटी का मुझे भी नहीं पता है, उसे ट्रेनिंग दिलाई जाएगी सुसु पॉटी के लिए। तो इस तरह से इतना बड़ा है ये, और जहाँ पे मैं बैठती हूँ उसे बिछा देती हूँ, फिर उसको इस पे मैं रख कर खिलाती हूँ। तो मेरे ख्याल से हर घर में ये बेड प्रोटेक्टर होना चाहिए, ताकि आपका बेड गंदा ना हो और आसानी से बिछा कर इस पर आप रख सकते हो। ये भी मैं अमेजोन से ही शॉपिंग की हूँ, इसकी भी प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी। और ये वाटरप्रूफ है और आप इसे आराम से वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं बताती हूँ, बहुत क्यूट सा, बहुत सा सॉफ्ट सा मैं लूना का टॉवेल मंगाई हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। एक तो इसका कलर वाइट है और मैं इसे यूज़ भी कर रही हूँ पिछले 1 वीक से, और 2 बार वॉश भी कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। ये आप जब भी अपने डॉग को लाते हैं तो फर्स्ट बाथिंग में आपको एक टॉवेल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, और कई बार ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं टॉवेल ये ली, और वैक्सीनेशन के लिए जब मैं गई थी तो मैं इसे में लपेट कर लेके गई थी। जब मैं फर्स्ट बात कराई थी तो उसे मैं पूरा हेयर इसी से सुखाई थी। इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो आई थिंक ये मुझे 400 में मिला है, और ये भी मुझे अमेजोन से मिला है। जब अपने पपी को आप नहलाते हैं तो आप ये सबसे दिमाग में ये बात आता है कि आप अपने डॉग को क्या सबसे बेस्ट दे सके। तो मैं हिमालया का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, जो कि इरीना एपी शैम्पू है, और मैं फ़र्स्ट बात तो इसी से कराई। इन फ्यूचर भी मुझे अगर ये अच्छा लगा तो मैं इसी से ही अपने डॉग को नहलाऊँगी। और ये 275 का है, कितना दिन चलेगा ये मैं आने वाली कोई वीडियो में मेंशन करूँगी। ये मेरी लूना का डिओड्रेंट है, बॉडी स्प्रे, और ये वोल्ट्स का है, और ये 399 में मिला है। मैं इसे अमेजोन से शॉपिंग की हूँ। डिओड्रेंट क्यों ज़रूरत होता है अपने पपी के लिए मैं बताती हूँ। चूँकि जब आप अपने डॉग को 7 डेज़, 8 डेज़ या 10 डेज़ में नहलाते हो तो उसकी बॉडी स्मेल ना करे, क्योंकि वो पेडिग्री भी थोड़ा सा स्मेली होती है, थोड़ी सी उसकी पॉटी भी स्मेली, सुसु भी स्मेली। तो उन चीज़ों से आप मतलब इरिटेट ना हो तो उसे डिओड्रेंट लगाना ज़रूरत पड़ता है, तो डिओड्रेंट लेना ज़रूरी है। तो ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है प्रोडक्ट, और ये अमेजोन से नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं ये आपको दिखाने जो जा रही हूँ। ये डॉग ड्राई शैम्पू है। अगर आप अपने पॉपी को ज़्यादा नहीं नहलाते हैं और वो छोटी है, और बोला भी जाता है कि आप अपने पॉपी को कम से कम 15 डेज़ पे नहलाएं, तो
तो इस ड्राई शैम्पू से और उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट कपड़े से उसे पोंछ देने के बाद आपकी जो डॉग है या पपी है वो फ्रेश नज़र आती है और ये भी बहुत खुशबूदार है। और मैं आज इसे यूज़ की हूँ तो मुझे यूज़ करने के बाद पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वनीला फ्लेवर का है और सॉफ्ट हेयर भी करता है और ये पेट्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये ब्रांड जॉयविन का है। इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो आई थिंक मुझे ये 390, हाँ ये मुझे 390 मिला है और ये भी मुझे अमेजोन से रिसीव हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट फिर जॉयविन का है और ये अमेजोन से ही मुझे रिसीव हुआ है और ये टिक के लिए पाउडर है। और मैं अपनी लूना को, मैं नहीं चाहती हूँ कि उसे कोई कीड़ा लगे चूँकि पेट्स को टिक आ ही जाते हैं, तो इसलिए नहीं कि टिक हो उसके बाद मैं कुछ प्रोडक्ट सर्च करूँ कि कैसे टिक ठीक किया जाए, मैं उससे पहले ही उसे सेफ फील कराने के लिए मैं टिक पाउडर खरीदी हूँ जो कि मुझे ज़रूरत पड़ने वाला है अपने लूना के लिए। तो यदि अगर आप अपने पपी को, मतलब आपके पपी को यदि अगर टिक थोड़ा बहुत दिख रहा है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है शैम्पू, इसमें आप डालकर आराम से, ये सिलिकॉन का है और इसमें शैम्पू डालकर आप आराम से अपने डॉग को इस तरफ फंसाकर उसके बॉडी पर रब कर सकते हैं और उससे शैम्पू थोड़ा थोड़ा निकलेगा और आपके डॉग पे आएगा, फिर उसके बाद उसे आप अच्छे से नहला सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मैं इसे इस्तेमाल कर चुकी हूँ और ये आप ले सकते हैं अमेजोन से और इसकी कीमत मैं मेंशन कर दूँगी। अच्छा, ये पेपर नेपकिन है। पेपर नेपकिन आपको ज़रूरत पड़ने वाला है क्योंकि अगर बाय द वे आपके रूम में या कहीं पे अगर पॉटी कर देती है आपकी पपी तो नेपकिन का भी ज़रूरत पड़ने वाला है। तो मेरे साथ नेपकिन अब मेरे पर्स में भी चलने वाला है, जहाँ पे भी जाऊँगी मेरा डॉग तो साथ में जाएगा ही, तो नेपकिन आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। तो मैं नेपकिन 2 दिन से ही खरीद कर अपने लूना के लिए इस्तेमाल में लाई थी और ये 60 रुपये में अपने लोकल मार्केट में आराम से मिल जाता है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये कॉलर है मेरी लूना का, चूँकि लूना को मैं पहना दी थी लेकिन उसे मैं खोल देती हूँ क्योंकि रात में इतना झुनझुन करती है कि लोगों का नींद डिस्टर्ब हो जाता है। मैं सुबह फिर पहना देती हूँ, रात को खोल देती हूँ, ये चक्कर चल रहा है। और ये है लूना का बेल्ट, क्योंकि मैं अभी लूना को ये नहीं लगाई हूँ एक बार भी, तो इस तरह से है और कभी इन फ्यूचर लगाने की ज़रूरत पड़ी तो ये रहा लूना का बेल्ट और ये रहा कॉलर। इसमें ये फंसा के आराम से लग जाता है और आप अपने डॉग को कहीं पे भी मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए ले जा सकते हैं। ये रहा बो और एक बो था रेड कलर का जो कि मेरी लूना पार के निकाल दी है। तो मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये मुझे लगता है 250 से 300 में मिला था और ये अमेजोन फ्लिपकार्ट में इसको हर जगह अवेलेबल है और आराम से। फिलहाल मेरी जो लूना है 2.5 महीने की है तो उसे मैं हार्ड कुछ नहीं दे सकती थी, ये बहुत सॉफ्ट है, उसको इरिटेट नहीं कर सकता है, तो ये आपके लिए ज़रूरत का सामान है। और मैं बात कर लूँ सेहत का, जब मैं लूना को लाई थी तो मुझे लगा क्या कि डॉग लेना इतना आसान है, नहीं, डॉग आप ले तो आते हैं लेकिन डॉग की इतनी केयर करनी होती है कि जैसे छोटे बच्चे को आप जब घर में जन्म लेता है तो उस टाइम पे आपकी जितनी भी माइंड में बातें चल रही होती है, सेम बातें जब मैं अपने पपी को लेकर आई थी तो सेम चल रहा था, मैं इसे कैसे रखूँगी, क्या खिलाऊँगी, कैसे इसे कौन सी मेडिसिन दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं ये सारा मेडिसिन है और ये जो है मेडिसिन, मैं आपको एक एक करके मैं दिखा देती हूँ। ये मेडिसिन जो है ये वीक ऑम पपी, ये आपको वीक में एक बार अपने पपी को दिया जाता है ताकि उसके पेट में वॉर्म ना हो। और ये जो है आपके मेडिकल शॉप पे मिलेगा, जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उसे दिखाकर आप ले सकते हैं और इसकी प्राइस 115 रुपये की है। मैं बात करूँ उसकी मल्टी विटामिन की है, तो जिंको विद ड्रॉप है जो आप अपने बॉर्न बेबी को भी पिलाते होंगे, वैसे ही इसे बॉर्न बेबी को मैं पिलाती हूँ और ये बस दिन में एक बार या फिर रात में एक बार सोने समय में। दूसरा ये खरबेरा टेक पेट का है, ये 210
₹10 इसका कीमत है। ये मैं लोकल मार्केट के मेडिकल शॉप से ली हूँ और ये जो है लीवर के लिए है कि आपका डॉग जब कुछ खाता है तो उसे आसानी से पचा ले, उसके लीवर पे कोई इफ़ेक्ट ना हो, आसानी से वो अपने खाने को डाइजेस्ट करे। ये सैवलॉन है कि आप जब इतना कुछ उसके साथ रहते हैं तो खुद को भी सेव करने के लिए या अपने घर में कोई दूसरा कीटाणु ना हो तो मैं पोछा ओछा में सैवलॉन डालकर अपने घर को वॉश करती हूँ। दूसरा, ये टिक को निकालने के लिए एक चिमटा मैं मंगाई हूँ जो कि आप आराम से अब जब अपने डॉग में कोई कीड़ा दिखे उसे पकड़ के ऐसे खींच कर उसे आप साइड कर सकते हैं। इतना ज़रूरी सामान था जो कि मैं अभी आप लोगों से शेयर की। तो आप जितना भी सामान देखेंगे इस 15 डेज के अंदर में आया हुआ है और इन सभी चीज़ों में मेरा जिगर, मेरे हस्बैंड का और मेरा खुद का बहुत सारा, चूँकि सबको लूना का फिक्र है कि क्या सामान आना चाहिए। आगे भी अमेजोन पे बहुत सारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं जैसे कि इसका कोम्ब और भी 2-3 सामान मुझे याद है जो इसके लिए मंगाना, हाँ ड्रेस भी मंगाना है। तो ड्रेस क्योंकि बहुत छोटी है तो ड्रेस मैं इसे नहीं पहना सकती हूँ, जो काइंड ऑफ ज़रूरी लगा वही मैं मंगाई। और ये मेरी लूना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और